ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपकी राशि के बारे में आप कुछ हजारों साल पुराना रहस्य इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और ये रहस्य हर एक जातक को जानने का अधिकार भी है और उन्हें यह जानना भी चाहिए, क्योंकि शायद ये रहस्य आपकी कई सारी परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। जिन परेशानियों के साथ हम जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों के साथ हम अभी लड़ रहे हैं और इनसे बाहर आने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे। हर एक व्यक्ति की उम्र पर उसके साथ अलग अलग परेशानियां हो सकती हैं। मुझे नहीं पता आपके साथ कौन सी परेशानी है, पर अगर आप वर्तमान में किसी भी परेशानी के साथ जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात है कि जीवन में हम जिस भी विषय पर काम करते हैं हमारे काम नहीं बनते हैं। ये बहुत सारे जातकों के साथ होते हैं। उसके पीछे एक सबसे मुख्यतः रीज़न ये होता है आपकी राशि के साथ कि हम खुद की तुलना लोगों से करना शुरू कर देते हैं, ऐसा करना बंद कर दें। आप बिल्कुल यूनिक हैं, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में आप एक ही इकाई हैं, आप यूनिक हैं। तो अपनी यूनिकनेस को जिंदा रखें, आप में कुछ अलग काबिलियत है उसे जिंदा रखें। हाँ, बेशक हमें लोगों से सीखना चाहिए, उस यात्रा को जारी रखें, लेकिन उनकी तुलना से हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर हमें तुलना करनी है तो हमसे हमारे से नीचे वाले लोगों से करें ताकि वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। दूसरी बात है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में चले जाते हैं, बहुत तुरंत। कुछ पल पॉजिटिव के रहे सुबह, लेकिन हमको नहीं पता कि हम शाम तक कितने नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिविटी का लेवल बहुत भयानक होता है। और ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा कई बार आपके साथ होता है, बार बार होता है। तो अपने एटीट्यूड को बहुत आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को पॉजिटिव करेंगे आपके परिणाम बहुत चमत्कारिक होंगे। आप यहाँ तक वीडियो को सुनते आएँ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, दोस्तों आप सभी को एक मैं बात कह देना चाहता हूँ कि आपके मन में भी कोई भी प्रश्न चल रहा हो, अगर जीवन में किसी भी विषय को लेकर परेशान चल रहे, हताश हैं, निराश हैं, या कोई भी ऐसी परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं। आप अभी इसी वक्त व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करें, उसका फीस लागू है। दोस्तों, काल सर्प दोष, मंगल दोष, चांडाल दोष, ग्रहण दोष, हमारी कुंडली में कोई सा भी दोष हो सकता है, लेकिन अगर आप शिव को अपने गुरु मानते हैं या शिव जी को अपना गुरु बनाते हैं तो ये सभी जो दोष है स्वाभाविक रूप से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि शिव जो है वो नौ ग्रहों के मुख्य देवता हैं, प्रमुख देवता हैं, महादेव हैं, और ये कई सारे प्रैक्टिकल लोगों ने किया, उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो आप भी शिव जी को अपना गुरु माने, गुरु बनाएं। अभी आपने जिन्हें गुरु बनाया बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप उन्हें जिन्होंने बना लिया है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया शिव को अपने गुरु माने और ओम नमः शिवाय के गुरु मंत्र का जाप करें। शिव समान दाता नहीं, और उनकी सेवा से, उनकी आराधना से सभी ग्रह शांत होते, यही एक रहस्य है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय।